सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ योर सिद्धांत राउत एंड यू आर वाचिंग ऑल इन वन अड्डा। गाइस, अगर आपने मुझे अभी तक इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में। तो गाइस, अगर आप इन दोनों में से कोई एक हेयर स्प्रे लेना चाहते हो और अगर आप थोड़े से कन्फ्यूज हो कि इन दोनों में से बेटर कौन सा है या आपको अपने काम के हिसाब से इन दोनों में से कौन सा लेना चाहिए, तो गाइस इस वीडियो को देखने के बाद आपकी कन्फ्यूजन पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी, क्योंकि इस वीडियो में मैं इन दोनों का कंपेरिजन करूंगा और इसके प्रोज और कॉन्स के बारे में एकदम डिटेल में आपको बताऊंगा, जिससे आपको एकदम क्लियर हो जाएगा कि आपको अपने हिसाब से कौन सा हेयर स्प्रे लेना चाहिए। सो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। और गाइस, एक चीज मैं पहले ही क्लियर कर दूं कि ये वीडियो किसी भी ब्रांड के द्वारा पेड प्रमोशन नहीं है और इस वीडियो में मैं किसी भी ब्रांड को डीफेम नहीं कर रहा हूं। मैं इन दोनों हेयर स्प्रेस को लगभग एक साल से यूज कर रहा हूं, तो इस वीडियो में मैं सिर्फ और सिर्फ अपना एक ऑनेस्ट जेन्युइन कंपैरिजन कर रहा हूँ। तो गाइस, सबसे पहले बात करते हैं इन दोनों के बिल्ड क्वालिटी की। तो गाइस, इन दोनों की ही बिल्ड क्वालिटी बहुत ही अच्छी है और इन दोनों के एडमाइजर्स भी बहुत ही अच्छी तरीके से काम करते हैं। अब दूसरी चीज आती है इन दोनों के प्राइसिंग की। तो गाइस, गैट्सबी आपको मिलता है अराउंड 220 रुपीज का और आपको सेटवेट मिल जाता है अराउंड 165 रुपीस का। लेकिन कभी कभी सेटवेट का प्राइस जो है वो ऊपर नीचे होता रहता है, कभी कभी ये 200 या 220 तक चला जाता है। तो गाइस, प्राइसिंग कभी भी फिक्स नहीं होती, ये चीज़ फ्लक्चुएट होती रहती है। तो अब अगर हम बात करें क्वांटिटी की, तो गाइस गैट्सबी आपको मिलता है 250 ml की क्वांटिटी में और सेटवेट आपको मिलता है अराउंड 200 ml की क्वांटिटी में। तो सेटवेट की क्वांटिटी तो 50 ml कम है, लेकिन उस हिसाब से इसका प्राइस भी इससे थोड़ा सा कम हो जाता है। तो गाइस, उस हिसाब से देखा जाए तो प्राइसिंग के हिसाब से क्वांटिटी दोनों की ऑलमोस्ट सेम है। तो अब बात करते हैं दोनों के होल्डिंग कैपेसिटी की। तो गाइस, गैट्सबी में आपको मिलता है लेवल 5 का होल्ड, जो कि मुझे काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग लगता है जितना कि मैंने इसे अभी तक यूज किया है। लेकिन वहीं सेटवेट में कोई होल्ड लेवल तो नहीं लिखा है, लेकिन इसके सामने एक्सट्रीम होल्ड लिखा है, जो कि मुझे इसके कंपैरिजन में उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं लगता है। तो अगर मुझे इन दोनों को रेट करना हो तो मैं गैट्सबी को 5 में से 5 दूंगा और सेटवेट को मैं 5 में से 4 दूंगा, क्योंकि ज़्यादा बुरा होल्ड इसका नहीं है। लेकिन अगर हम बात करें दोनों के होल्ड टाइमिंग की, तो गाइस गैट्सबी से आपके बाल ज़्यादा टाइम तक सेट रहते हैं, लेकिन सेटवेट से आपके बाल ज़्यादा टाइम तक सेट नहीं रहते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको कोई फिक्स टाइमिंग तो नहीं बताऊंगा, क्योंकि सबके बालों का टेक्सचर और लेंथ एकदम अलग अलग होता है। तो गाइस, अब बात करते हैं उस चीज़ की जिससे मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, जो कि है विजिबल रेसिड्यू। मतलब कि जब आप ये सेटवेट वाले को अपने बालों पे स्प्रे करते हैं, तो गाइस ये आपके बालों पे चिपका हुआ दिखता है, इसे एब्जॉर्ब होने के लिए थोड़ा सा टाइम लगता है। लेकिन वहीं अगर हम गैट्सबी की बात करें तो ये तुरंत एब्जॉर्ब हो जाता है और इसमें ऐसा बिल्कुल भी कुछ नहीं दिखता है। और एक चीज़ मैंने इन दोनों में नोट करी है, वो ये है कि इन दोनों में आपको यूवी प्रोटेक्शन मिलता है। मतलब भाई, एक बात बताओ, आपको तो पता ही है कि हेयर स्प्रे आपके बालों को डैमेज करता ही करता है, तो भाई यूवी प्रोटेक्शन से कितना ही बचा लोगे और क्या ही बचा लोगे। सबसे बेस्ट है, अगर यूवी रेस से अपने बालों को बचाना है तो अपने बालों पे कैप लगा लो या छाता यूज कर लो अगर आप बाहर जा रहे हैं, दैट्स इट। और गाइस, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगता है, काम का लगता है, इन्फॉर्मेटिव लगता है, तो गाइस आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और लाइक कर देंगे इस वीडियो को, तो मुझे और वीडियोस बनाने के लिए और मोटिवेशन मिलेगी। तो गाइस, अब दोबारा टॉपिक पर रिटर्न आते हैं। तो गाइस, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि गाइस अगर आप इसे रेगुलर बेसिस पे यूज़ करते हैं, मतलब कि आप इसे डेली यूज़ करते हैं, तो गाइस ये आपके बालों में बहुत ही सीरियस प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। जैसे कि ये आपके हेयर थिनिंग की प्रॉब्लम कर सकता है, हेयर फॉल की प्रॉब्लम कर सकता है, आपके बालों का कलर वाइट कर सकता है और ऐसी और भी प्रॉब्लम्स कर सकता है। लेकिन अगर आप इसे सिर्फ हफ्ते में एक बार यूज़ करें और महीने में सिर्फ 2 से 3 बार यूज़ करें, तो आपको अपने बालों में कोई भी प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगी। बिल्कुल रिस्क नहीं लेने का। और इन्हें यूज़ कैसे करना है वो मैंने अपनी इस वीडियो में बता रखा है और इस वीडियो का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो पहले ये वाली वीडियो देख लें, उसके बाद ये वाली वीडियो देखें। जो वीडियो है वो थोड़ी सी पुरानी है, तो उसमें थोड़ी सी क्वालिटी थोड़ी कम है, लेकिन कंटेंट एकदम सही है। और गाइस, मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप इन्हें लंबे समय तक अपने बालों पे लगा के बिल्कुल भी ना छोड़ें और एटलीस्ट रात को सोने से पहले तो शैम्पू करके अपने बालों को अच्छे से वॉश करें और ड्राई करके ही सोएं। और इन दोनों हेयर स्प्रेस को अपने बालों से निकालने के लिए आपको शैम्पू करना ही करना पड़ेगा। सिर्फ पानी से अगर आप इसे वॉश कर देंगे तो आपको बहुत रफ रफ लगेगा, एकदम स्मूथ वाली फीलिंग नहीं आएगी। तो
इन्हें अच्छे से क्लीन करने के लिए शैम्पू जरूर करें। और गाइस मैं आपको एक चीज रिकमेंड करूंगा कि आप किसी भी हेयर स्प्रे को यूज करने के बाद उसके अगले दिन अपने बालों पे ऑयल मसाज जरूर करें। ऑयल को अपने बालों पे अच्छे से लगाएं और आधे से एक घंटे तक उसे ऐसे ही लगे रहने दें और उसके बाद उसे शैम्पू करके वॉश कर लें, जिससे कि आपके बालों का जो डैमेज है वो भी रिपेयर हो जाएगा और आपके बाल एकदम हेल्दी रहेंगे। और गाइस मैं किसी भी हेयर स्प्रे के इंग्रेडिएंट्स के बारे में बात नहीं करूंगा, क्योंकि गाइस जो चीज आपके बालों को हार्म करती है तो सिंपल सी बात है उसके इंग्रेडिएंट्स के बारे में बात करके कोई फायदा नहीं है। और आखिरी चीज, इन दोनों को लगाने के बाद आपके बालों में एक काफी अच्छा सा नेचुरल शाइन इफेक्ट आता है, जो कि मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। और इन दोनों के डिस्काउंटेड लिंक्स मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं, आप जाके वहां से खरीद सकते हैं। सो गाइस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड इफ यू लाइक द वीडियो देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल। और फ्यूचर में ऐसी अमेजिंग मेंस ग्रूमिंग प्रोडक्ट्स के कंपैरिजन वीडियोस के लिए देखते रहिए ऑल इन वन एक्टा।